Assalamu alaikum. This is me, Abhika Kashif Khan. Welcome back to my YouTube channel. So finally, the most special day is here and I am super duper excited, guys. मैं आप लोगों को बता नहीं सकती. मैंने बस सोचा कि जल्दी से व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर दिया जाए, इंट्रो दे दिया जाए. पहले तो मैं तैयार श्यार होके देने वाली थी, बट फिर मैंने बोला कि यार ऑब्वियसली आप लोगों को दिखाना चाहिए ना कि मैं कैसे, ऑब्वियसली आप लोगों को दिखाना चाहिए ना कि तैयार होने से पहले की कहानी क्या चल रही है. तो इसलिए अभी थोड़ी देर पहले मैं सो के उठी हूँ, फेस वॉश वगैरह कर लिया है एंड आई एम हेयर इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू गाइज. अभी बज रहे हैं 12:15, मैं उठी हुई हूँ 11 बजे से, 12:15 हो रहे हैं और हमें रेडी शेडी भी होना है क्योंकि आज का दिन बहुत स्पेशल है. आप लोग सब जानते हैं 31 जुलाई है, लेकिन 31 जुलाई को एक स्पेशल चीज होने वाली है एंड वो स्पेशल चीज क्या है वो तो ऑब्वियसली आप लोगों को ब्लॉग देखने के बाद ही पता चलेगा. तो फुल ब्लॉग आप लोग ने जरूर देखना है एंड आई एम डैम श्योर यू गाइज विल लव इट, हमेशा की तरह, बट दिस टाइम यू गाइज विल डेफिनेटली लव इट. मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझसे क्या निकल रहा है, बट लेट्स गेट स्टार्टेड. बैग में कुछ कपड़े रखे गए हैं, वो इसलिए क्योंकि कपड़ों की नीड भी हो सकती है, तो फॉर द सेफ साइड हमने कपड़े रखे हैं छोटे से क्यूट से सूट केस में. और अभी बस थोड़ी देर में मैं तैयार होने लगी हूँ, थोड़ी देर में नहीं बल्कि अभी तैयार होने लगी हूँ. तैयार होते हुए भी ऑब्वियसली बहुत टाइम लगना है तो इसलिए रेडी होते हैं. सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि आप लोग अपना ड्रेस दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग तैयार होंगे, ठीक है. ये है मेरा प्यारा सा ड्रेस येलो कलर का जो है वो लेमन कलर का है, येलो कलर का है, आई डोंट नो लेमन है या येलो है, बट मैं इसको येलो ही कहूंगी. और ये जो मैंने नेल्स कराए थे ना वो इसी वजह से कराए थे, और जो मैंने अपने ड्रेस का कलर सेलेक्ट किया ना मतलब येलो, वैसे पता नहीं क्या हमेशा उस आंटी की बर्थडे जितनी भी गुजरी है 3, उन सब में मैंने ब्लैक ड्रेस जरूर पहना है ना. आई गेस कल वाले शूट में भी पहना है, उससे पहले ब्लैक ड्रेस पहना था, उससे पहले ब्लैक ड्रेस पहना था, उसके बाद यार मैंने अभी रियलाइज किया कि मैं ब्लैक पहन रही हूँ. इस बार भी मेरा प्लान था ब्लैक पहनने का, बट फिर मैंने बोला कि नहीं, कुछ डिफरेंट होना चाहिए क्योंकि थीम डिफरेंट है, जगह डिफरेंट है, तो क्यों ना कुछ अलग सा प्यारा सा फंकी कलर पहनना चाहिए जो कि अच्छा लगे धूप में. तो इसलिए ये मैंने येलो कलर सेलेक्ट किया है और किसी को भी नहीं पता कि मैं येलो पहन रही हूँ, मतलब किसी से मेरा हसैन को नहीं पता. और वो मुझसे पूछते रह गए कि आप कौन से रंग के कपड़े पहन रही हैं, क्या पहन रही हैं. मैंने बोला कुछ भी नहीं पहन रही, आप बेफिक्र हो, आप मुझसे ज्यादा अच्छी लगोगे. हम दोनों को यही रहता है कि आप ज्यादा अच्छी लग रहे हो, आप ज्यादा अच्छी लग रहे हो, तो ये बड़ा सिस्टम चलता है. बट मैं कैसी लगूंगी वो आप लोगों को पता चल जाएगा, और हुसैन कैसे लगेंगे वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा उनके व्लॉग में, तो उनका व्लॉग भी देखना, ये वाला व्लॉग भी देखना. मेकअप इज डन टंटना एंड सच बताऊं तो आई रियली वांटेड कि मैं येलो शेड लगाऊं हमेशा से, लेकिन आज फाइनली मैंने येलो शेड लगा ली अपनी आईज पर. अब बहुत प्यारा लग रहा है बिकॉज मेरा येलो ड्रेस है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आंखें भी येलो होनी चाहिए, सो दैट्स व्हाई. जस्ट लुक एट माय आईज गाइस, टाना बहुत प्यारी लग रही है. आई एम टोटली इन लव विथ माय मेकअप, बस हाईलाइटर रहता है. आई होप कि मैं हाईलाइटर भूलूँ नहीं क्योंकि मैंने हाईलाइटर लगाया नहीं है, मैं अक्सर चीज़ें भूल जाती हूँ. तो अब मैं ड्रेस चेंज करूँगी, हेयर स्टाइल बनवाऊंगी, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं फुल तैयार होके. 2000 years later. Guys, here is my look और makeup, hairdo, हर चीज हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं. जल्दी से आके कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ. ये है मेरा आउटफिट, मैं आप लोगों को फुल आउटफिट भी दिखा दूंगी वहां पहुंचने के बाद. अभी हमें बहुत लेट और हमें बस पहुंचना है, बस इंशाल्लाह जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे. इग्नोर माई स्वेटिंग, ये सब स्वेटिंग है गाइज, अभी स्वेटिंग हो रही है मुझे बहुत बुरी, बट खैर इसे गाड़ी में चलते हैं और पहुंचते हैं अपनी मंजिल पर. हमारी गाड़ी में सारा सामान रख दिया है, मैं आप लोगों को केक दिखा दूँ, देख सकते हैं, बाकी हम वहाँ जाके देखेंगे. बहुत सारा सामान है जो कि हमें लेके पहुंचना है. थैंक यू, मेरा बैग लाने के लिए बैग ही भूल के जा रही थी. तो पीपल हम लोग निकल चुके हैं, ऑन द वे है, लोकेशन पर पहुंचने वाले हैं. और माशाल्लाह उम्मीद थी कि मौसम अच्छा होगा और अल्हम्दुलिल्लाह कि मौसम बहुत अच्छा है. और मैं ये देख के ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि मुझे मौसम का बड़ा डर था कि कहीं धूप हो कड़कती फड़कती ये पसीनों में हो जाए हम, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, इंशाल्लाह अच्छा ही गुजरेगा बर्थडे इवेंट. तो वहाँ जाके वहाँ पहुँच के इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी कि कहाँ है सेटअप और क्या क्या वहाँ पे चल रहा है. सो गाइस हम लोग लोकेशन पर पहुँच चुके हैं, बेसिकली बीच
बीच पे पार्टी है आज हमारी, बर्थडे पार्टी, और मैंने तभी ये वाले नेल्स कराए थे और मैंने आप लोगों को कहा था मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो ये एक वजह थी। और आप लोग देख सकते हैं मेरा क्यूट मानो कितना प्यारा लग रहा है, और उसे भी सबके ड्रेसेस मैंने खुद डिसाइड किए थे। हमने एक महीने पहले से ड्रेसेस सारे मंगवा के रखे हुए थे कि सब बच्चों ने ये पहने सैनिटी बर्थडे हम बीच पे करें, जब तक कंफर्म भी नहीं था, लेकिन फिर भी सब कुछ कंफर्म हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। कि सेटअप ही डिशन कुछ इस तरह की है, अभी जो है थोड़ा सा रहता है वो होगा, फिर इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पे जाएंगे। अभी हम लोग अपने गेस्ट का इंतजार करें, जब तक ये सारा सिस्टम हो जाएगा, गेस्ट वगैरह आ जाएंगे, फिर पार्टी शुरू करेंगे। और जो असल बर्थडे बॉय है ना, मुझे उनकी बड़ी टेंशन, पता नहीं कब आएंगे। लेट्स सी। ओ कटिया ऊंचिया रखिया मेरा वो चट दे पिछिया पर तू मैनू पाली चाची दी ਕੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਕੋੜ ਤਾਨੂੰ ਫਸ ਪਾਇਆ ਵੇ ਲੱਗੀ ਪਵਾਰ ਸੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੀਆਂ ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰੀ ਜਾਚਦੀ ਕੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਕੋੜ ਤਾਨੂੰ ਫਸ ਪਾਇਆ ਵੇ ਲੱਗੀ ਪਵਾਰ ਇਤਨੀ ਹਵਾ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਾਇਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਥੇ, ਤੋ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਪਿੰਸ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਲਈ ਥੀ। और अब ये सेट हो चुके हैं, मैं अपना थोड़ा मेकअप सेट करूंगी, फिर जाऊंगी अपनी पिक्चर्स खिंचवाने, क्योंकि हुसैन साहब जो अभी रास्ते में हैं वो जैसे ही आएंगे तो मैं चाहती हूँ उससे पहले मेरा शूट हो जाए, ताकि उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो कि उनकी पिक्चर्स वगैरह रह जाए। इसलिए तो गाइस वहाँ पे हुसैन का शूट चल रहा है और हम लोग यहाँ पे रील बना रहे हैं, जो कि आप लोग इंस्टा पर देखोगे ऑफकोर्स। और अभी कट टू कट पार्ट हो रहे हैं, बहुत हवा चल रही है, कर्ल्स वर्ल्स सबका सदियाँ नाश हो चुका है, बीच में आए थे इसलिए मैंने ऐसे बाल बनवाए, वरना मैं खोल के आ रही, मैंने बोला कि यार ऐसे बाल बनवा लो क्योंकि वो एडजस्ट हो जाएंगे। हमारे कैमरामैन साहब भी रेडी हो चुके हैं, आ जाओ जल्दी। बिरयानी, चाउमीन, समोसे, पिज्जा और सैंडविचेस, ओह माय गॉड, सारी चीज़ें जो हैं वो ने प्लान की है कि मैं प्लानर में गई, और हर चीज़ बहुत ही लाजवाब है। और इस बार का मेन्यू मैंने खुद सेलेक्ट किया, मतलब मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, और बहुत मुश्किल हो रहा था कि बीच में कैसे करेंगे, क्या होगा, बट आपको पता है ना, आपकी बहन हर चीज़ को मना लेती है, तो मैंने मना लिया है और हर चीज़ हो गई है, बस अब हम बैठे खाने खाने। कपड़े चेंज कर लिया हमने, क्यों भाई? उफ़ल्ला, सोचे मेरा हाल क्या होगा, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मेरा ड्रेस है बहुत ही खूबसूरत सा, ये मैंने नहीं देखा, नाटक कर रहे थे आप पीछे से, ये मेरा ड्रेस है, ये मेरे पैर है और ये मेरी हील है, और लिटरली मैं कब से चल रही हूँ, खाना किया है मैंने, मुश्किल से चले ले।
आपकी बहन आके बैठी है चेयर पे, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। वहाँ पे सब खाना निकाल रहे हैं, रश पड़ गया है खाने पे, जोरदार रश। देखते हैं किसके हिस्से में क्या आता, किसके हिस्से में कुछ नहीं आता। सब एक साथ बैठेंगे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सिर्फ बड़ी सी लॉन्ग टेबल हो और उसमें सब बैठे हुए खाना खा रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। आपने एंजॉय किया? पानी में जाना है? पानी में जाएंगे हम, जरा कपड़े अपने चेंज करके पिक्चर्स के लिए मैं पानी में चले गई, मेरी पूरी ड्रेस खराब हो गई, बट इट्स ओके, पिक्चर्स वगैरह पहले हो गई थी। तो क्या हुआ लाली, आपके हिस्से में क्या आया? मेरी कोल्ड ड्रिंक गिन रहा है। या अल्लाह सैन, वहाँ पे रखी हुई थी और भी रखी है, और दो अलग जो लाई है वो सबके लिए चार टेबलें खा ली है। रबीका महीर अंडी, बस चलो बैठ जाओ बैठ जाओ। पूछते कि मेन्यू कैसा लगा जैबू जी, मेन्यू कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैम आपकी पसंद की चीजें हैं। मदीहा मेन्यू कैसा लगा? हाँ बिरयानी भी रखी है। जैजी आपी माने का कली बात है, अल्लाह माने पीछे खा लो तुम। ये सैन के लिए मैंने चेयर बचा के रखी हुई है, अभी आ रहे हैं। हवा कर, हवा हवा कर, हाथ मिलाए, हाथ मिलाए ना पाला गुड जाइए मेरा, हमारी तो ट्रेनिंग हो गई, आपको पता है मैच में जो गई। किसकी बर्थडे में आई हो? किसकी बर्थडे में आई हो? किसकी बर्थडे? मामू की बर्थडे, मामू की बर्थडे। पाला बच्चे लोग आ गए हैं ग्राउंड पर जहाँ पे सेट हुआ था, और एक्चुअली एक एंट्रेंस वाला पार्ट लेना है स्पेशल चीज के साथ, तो वो हमने नहीं लिया। वो स्पेशल चीज आप लोगों को दिखा दूँ, ये है वो स्पेशल फ्लावर बुके जो मैंने बनवाया है, और ये सेंड कर दूंगी। लेट्स सी, वेट फॉर हिज रिएक्शन गाइस, मुझे बहुत ज्यादा इंतजार है और मुझे गाने स्टार्ट होने वाले हैं, तो अभी मैं ब्लॉग बंद करती हूं, बाकी आप लोग पार्ट्स देखो, एंजॉय करो। भाई चलो ना, क्या हो गया? ऑन नहीं सामान, मना करो, अभी ऑन मत करवाना, अभी ऑन नहीं करवाना। 1, 2, 3, 4 पैरों में बांधा आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है, आ जा रहा है। जैसे ही स्लीपर में पैर डालती हूँ वैसे ही बांधा आ जाता है, पता नहीं क्यों मेरे पैर इतना कर रहे हैं, पता नहीं क्यों यार। इसलिए तकरीब क्योंकि मैंने बहुत ही लंबी हील पहनी हुई थी, मैं आप लोगों को दिखा दूँ कहाँ गई, वो हटा दी पिंक वाली जो मेरी सबसे बड़ी वाली है, वो मैंने पहनी हुई थी, तो उसकी वजह से ये सीन हुआ। आज के कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त होते हैं, पैकेट भाई ने बहुत सारे जमा कर लिए, जिसमें से 2500 पैकेट फोटो के साथ सब चीजें अपनी जगह, सारे पैसे हुसैन के सॉक्स के हैं, सारे पैसे सॉक्स के हैं। रणवीर सिंह, रणवीर सिंह हो गया, माशाल्लाह पूरी कर दें, इसको दुआ में लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हैप्पी बर्थडे टू हुसैन लिखना मत भूलिएगा।
और ऐसे ही कौन सा ब्लॉग भाई, दो ब्लॉग है इनके, दोनों में से जो भी है दोनों देखना बहुत जरूरी है आपके, क्योंकि ये लोग निकल जाते हैं अकेले कैंडल लाइट डिनर करते हैं अल्लाह ताला। और इतना मुझे याद आ गया, मैं नाराज हूँ, मुझे बोल के टोपी करा के चलेगा इस कर्फ्यू होल्ड यार, अभी मेरे को मैसेज आया शायद पहुंचो हुसैन, अब पहुंचो वहां, तो वो जो गेट के पास खड़ा था वो हुसैन नहीं था, चौकीदार बन जाता, बन जाता चौकीदार यार। तो गाइज ये था आज को फैन की बर्थडे का व्लॉग, आई डोंट नो कैसे बना है, क्या हुआ है, सारे पार्ट्स वगैरह, क्योंकि इतना ज़्यादा यू नो घनचक्कर थी मैं कि यहाँ वीडियो बनानी, वो रील बनानी, वो पिक्चर बनानी, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने की हैं, बहुत मज़ा आया, बस निकलने की हो रही है। और पिछली दफ़ा जो था वो रात से लेकर सुबह तक था, अभी शाम से लेकर रात तक था, स्टे वाला सीन ऑफ था क्योंकि स्टे नहीं किया ज़्यादा, बहुत अजीब सा होता है। तो जल्दी से आके लाइक कमेंट शेयर में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसा भी था व्लॉग मैंने आपके सामने पेश कर दिया है, तो बहुत सारा प्यार बरसाइए, तो हुसैन को दुआ में हमेशा याद रखिएगा, अगर उनको बहुत 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 खुश रखें, बहुत कामयाब करें, हर कदम पे बहुत कामयाब होते रहें, हमें साथ रहें प्लीज़ से माशाल्लाह, जब भी हमें देखा करें पिक्चर से बहुत सारा प्यार बरसाएगा, वीडियो से बहुत सारा प्यार बरसाएगा, बहुत जल्द इंस्टा पर देखने को मिलने वाला है। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय। वो फिर से मुलाकात होगी इंशाल्लाह, अब आपकी शादी में मुलाकात होगी, जल्दी घर आएंगे, आंटी ने दावत दी, डन 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 डन, घर घर बताना अपनी पसंद की चीजें, मैं अपने हाथों से बनाऊंगी, इन हाथों से। चलो ख्याल रखो फिर मेरे, इंशाल्लाह हाफिज़। लाली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, टेक केयर, बाय बाय।